वेलकम बैक टू रूमीज ब्लॉग्स और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। हमारे यहाँ 2 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हम 2 दिन से मैं टेरिस पर भी नहीं आई हूँ, तो आज सोचा कि देखती हूँ मेरे प्लांट्स का क्या हाल है। और वही हुआ जिसका डर था, काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे बहुत ख़राब हो गए हैं। और एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि बारिश में मैं प्लांट्स का ध्यान रखूँ, लेकिन कैसे रखूँ, सब तो खुला हुआ है, उन्हें थोड़ा शेड होता तो मैं उन्हें शेड के अंदर रख देती। लेकिन आज सबसे पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा है आज। बहुत ही जबरदस्त मौसम है, नैनीताल जाने की जरूरत नहीं है, नैनीताल यहीं हो रहा है हमारी सिटी में। और सुबह से तो बहुत तेज बारिश थी, इसलिए मैं ऊपर आ भी नहीं पाई थी, क्योंकि शूट कैसे होता, अम्ब्रेला लेके करना पड़ता। तो अब आपको दिखाते हैं कि हमारे प्लांट्स का क्या हाल है। कुछ प्लांट्स तो बिल्कुल सही हैं और बल्कि बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स तेज हवा से और बारिश से बिल्कुल खराब हो ढह गए हैं। देखिए ये कितना बड़ा सा प्लांट है और ये बिल्कुल गिर गया है, ये इतना बड़ा है और अब ये इसको ऐसे लेटा हुआ है। तो छत पे मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी इन प्लांट्स पे, तभी ये सही होंगे। और इधर वाले प्लांट्स भी मेरे सही हैं, और बारिश से ये मेरा वंडिंग व्यू बिल्कुल खराब हो गया। और प्लांट्स तो मेरे सब थोड़े बच गए हैं, लेकिन उधर के जो थे साइप्रस कैनोपी के पीछे वाले, उनका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। और ये मेरी 9 o'clock भी ज़्यादा पानी पड़ने से, मुझे लग रहा है इसको भी मुझे शेड में रखना पड़ेगा, कभी ये गल जाए। और ये ग्रास देखिए कितनी प्यारी सी हो रही है बारिश से। और ये फ्लावर, इस पे चंपा के फ्लावर टूट के गिर गए थे, तो ये सारे मैंने फ्लावर, टूटे हुए फ्लावर मैंने इस पे लगा दिए। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसी में फ्लावर निकल रहे हैं। अब चलते हैं अपने बैक साइड में, तो यहाँ के प्लांट्स का बहुत बुरा हाल हो गया है। और बारिश अचानक से पड़ी तो मैं फर्नीचर को भी कवर नहीं कर पाई थी, हम क्योंकि रात में ऊपर ही बैठे थे, हमने कहा सुबह कर देंगे, लेकिन वो रात ही में बारिश हो गई। ये देखिए इतना हैवी साइप्रस है ये मेरा, ये बिल्कुल गिर गया है। अब इसको मुझे जड़ से ही पूरा निकाल के दोबारा सही करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी किसी की। तो मैं सोच रही हूँ माली को ही बुला लूँ कि वो इन्हें दोबारा से लगा दे। देखिए कितना बड़ा सा है और ये बिल्कुल खराब, इस पर लेट गया है। तो मैं सोच रही हूँ अभी इसको ऐसे ही रहने देती हूँ सोफे की सपोर्ट से, और कल माली को बुलाऊंगी, जब बारिश रुक जाएगी तब मैं इसको सही करूंगी। देखिए ये वाला साइप्रस थी, ये बिल्कुल, क्योंकि हवा बहुत तेज थी, बहुत तेज हवा थी, ये भी मेरा बिल्कुल, और मुझे डर ये लग रहा है कि ये टूट ना जाए। और ऐसे ही उधर वाला मेरा साइप्रस, वो कोने में जाके लग गया है, ये देखिए ये भी बिल्कुल उधर चला गया है। अब इन और है, इतने हैवी प्लांट हैं ये कि मैं अकेले तो इन्हें संभाल भी नहीं सकती, तो मैं अकेले इनको नहीं लगा पाऊंगी, मुझे माली को ही बुलाना पड़ेगा। फिर ये जो हमारा उधर कॉर्नर में आ जाता है, उधर वो वाला साइप्रस भी हमारा बिल्कुल वो उस कॉर्नर में चला गया है। अब मुझे डर ये लग रहा है कि ये मेरे खराब ना हो जाएं, तो मैं कल ही माली को बुलाऊंगी और इन्हें सही कराऊंगी। जो कबूतर ऊपर आते हैं बहुत ही परेशान हो रहे हैं बारिश में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे एक टाइल रखा हुआ था, वो टाइल का शेड बना दिया है और उसमें गमला रख दिया है, और नीचे कबूतरों का दाना रख दिया था, वो इस टाइम खा के जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड को सबसे ज्यादा फिक्र रहती है कबूतरों की कि वो दाना खा लें, ऑफिस से भी फोन कर करके पूछते हैं कि दाना रखा उनका या नहीं। और मुझे जो है, मुझे फिक्र बालकनी की रहती है, वहां मेरी बर्ड्स आती हैं, मैं उनका ध्यान रखती हूँ, हस्बैंड ऊपर का ध्यान रखते हैं। तो ये उन्होंने ऐसा शेड बना दिया है और बहुत ही प्यारा व्यू है, ऐसा लग रहा है कि बस हम नैनीताल में घूम रहे हैं। और कमेंट्स में बताएं कि आपके यहाँ का वेदर कैसा है, और कुछ सजेस्ट करें मुझे प्लांट को मैं कैसे सेव करूँ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।